भारी विरोध और लंबे विवाद के बाद आखिरकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज हो गई है। भले फिल्म को रोकने के लिए करणी सेना ने देश के कई जगहों पर बवाल मचाया हो, जगह जगह प्रदर्शन किए हो, यहां तक कि हिंसा का सहारा भी लिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल जाने के बाद फिल्म रिलीज का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इस बीच फिल्म पद्मावत को लेकर नेताओं की राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पद्मावत को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का ऐतिहासिक वैल्यू क्या है। वो कहते हैं कि इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप इसे क्यों बना रहे हैं? राहुल गांधी इस मुद्दे पर कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ हैरान करने वाली बात ये रही कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी फिल्म पद्मावत को लेकर भारी विरोध दर्ज कराया। ऐसा है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति विशेष और ऐतिहासिक अगर जो तथ्य हैं उनसे हटकर यदि किसी धर्म जाति के लोगों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ऐसी फिल्में नहीं बनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रुपहले पर्दे पर फिल्म पद्मावत तो रिलीज हो गई है, लेकिन नेताओं की तीखी बयानबाजी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।